और पिक है आईटीसी पर। आईटीसी का टेक ऑफ होने वाला है। जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, ये जो 200-210 के लेवल्स की बात होती थी, ये 238-240 से पहले रुकेगा नहीं। एक बड़ा अपमूव 238-240 का यहाँ देखने को मिलेगा। तो आईटीसी को मिस नहीं करना है। ओवरवेट खरीदारी की राय है आईटीसी पर। और यही स्पेशल है अनिल जी, आईटीसी पर जो आदमी पिक देता है तो मतलब कि हिम्मत करके पिक दे रहा है। चार्ट में स्ट्रेंथ है, पैटर्न में स्ट्रेंथ है, बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है। और जैसे राकेश जी ने कहा 240 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम अदम्य साहस का परिचय यहां दे रहे हैं। आईटीसी पर हमारी खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर बाय करके चले 210 रुपए के आसपास, 210 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 228 रुपए का, 228 का। दूसरा टारगेट 235 रुपए का, तो 235 तक जाने की संभावना चार्ट पर दिखती है। बड़ा ब्रेकआउट है, आईटीसी पर खरीदारी करके चले। है जेएसडब्ल्यू स्टील। अनिल जी, लगभग 5 से 7 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा आज के सेशन में ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन है, ये आज या कल के सेशन में जो अपने ऑल टाइम हाईज हैं लगभग 772-775 उनको पार करने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन मुझे लगता है कि बनते हुए नजर आया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में अनिल जी, करंट लेवल 758 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 748 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट 785 रुपए का, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, और दूसरा टारगेट अनिल जी 800 रुपए तक का यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लगता है आने की तैयारी है। 1 से 2 दिनों का व्यू रखकर जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में खरीदने के लिए सलाह है।